तो ये हमारा गरीब व्यक्ति कैसे उठ गया चौबरा वाले पे, इसको कैसे उठाया चौबरा वाले ने, जब और किसी ने नहीं उठाते चौबरा वाले, ये हमारा भाई मजदूर भाई कैसे उठाया चौबरा वाले ने और कैसे इसका कत्ल कर दिया। जब एक चौबरा वाले कहा गए थे कुछ भी नहीं करते। क्रिश्चियन पोस्टमार्टम के लिए हमारी डेड बॉडी के खतर हमारे दो चार आदमी के दस्तक लिए थे। डेड बॉडी अगर जो हमारी दस्तक लिए है तो हमारा बंदा भी साथ में होना चाहिए था। वहाँ पोस्टमार्टम चले दी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो तुम्हारी वीडियोग्राफी होगी ठीक है ना, हमारा है वीडियोग्राफर ना तुम्हारा है ठीक है, वो हमने रेंट पर कर रखा है, उसको पैसे देने हैं ड्राफ्टर वाले ठीक है, उसने वीडियोग्राफी कराती है डॉक्टर के सामने कराती है, डॉक्टर किसी को अंदर आने देते, हमारे को भी नहीं आने देते अंदर, इसमें तो पोस्टमार्टम की बात है। अब ये जो मेरा परिवार खड़ा है सर, मेरी बात सुनो, जब मतलब प्रशासन ने पोस्टमार्टम नहीं हुआ था उससे पहले, पोस्टमार्टम से पहले ये बोला गया कि हमें दो बंदे दो और साइन करो, तो साइन भी करो ले, तो जिस टाइम सर पोस्टमार्टम होने लगा तो प्रशासन ने हमसे इत्तला करनी चाहिए थी कि अभी पोस्टमार्टम हो रहा है, आपके दो बंदे हैं जो आप उनको लेके आओ। और श्रीमान जी हमसे किसी ने नहीं बताया, जानकारी के लिए मैं बता दूं, आपके मुलाजिम ने ये कहा था कि मैं डिप्टी साहब के साइन करवा के फिर मैं आपको सूचना दूंगा और फिर आपके दो बंदे साथ में ले जाके पोस्टमार्टम करवाऊंगा। आप 20 मिनट लेट हो गया परिवार, उसको पता ही नहीं चला कि वो पोस्टमार्टम हो चुका है। छोड़ो बताओ, पोस्टमार्टम में भी आपका शंका है क्या? हर शंका की बात नहीं है, परिवार संतुष्ट तो नहीं है ना, परिवार वालों से पूछो ये बात। तो भाई छोड़ो, सही बात है, कुछ भी हो सकता है, आज जमाना कुछ हो रहा है, कुछ भी हो सकता है, शंका तो ये जो हमारा परिवार खड़ा है इस टाइम, इनका ये कहना है कि भाई जिस टाइम दस्तक लिए ये कहा गया था कि भाई आ जाओ एक बारी, तो पोस्ट मास्टर मैडम हमें गेट पर खड़े हो जाते, कोई ऐसी बात थी? तो आप यहीं बैठे हो, घर तो हो नहीं, हम भी यहीं हैं, आप भी यहीं हो, पोस्टमार्टम होने लग रहा है, पोस्टमार्टम होने के बाद आपको डेड बॉडी हवाले कर रहे हैं, उसका दाह संस्कार कर दो, हम क्या करेंगे उसको? पुलिस हेड का क्या करेंगे? हम परिवार का कहना, हम इस पोस्टमार्टम से इससे संतुष्टि नहीं है हमें, जब पुलिस की निगरानी में उस बंदे की मौत हो सकती है सर, तो मतलब फिर वो परिवार वाले कैसे संतुष्ट रहेंगे? कैसे संतुष्ट हो गया ये परिवार वाले बताएंगे? नहीं, आप ही तो बता रहे हो इनकी तरफ से, मैं इनकी तरफ से बता रही हूँ, तो परिवार वाले भी ये तो बता रहे हैं, कह रहे हैं श्रीमान जी, ऐसा श्रीमान जी अब तो पोस्टमार्टम हो गया, आपसे बड़ी बात ही नहीं है, लेकिन परिवार नाराज था इस बात से कि परिवार को नहीं बुलाया गया, बात ये थी बस। भाई आपने बताओ पोस्टमार्टम है, आप कर सकते नहीं, मैं कर सकता नहीं, जो सिर टूट रहा था, बाजू टूट रही थी, वो तो क्लियर हो जाती, कितने डंडे के लग रही है इसमें, आप बता सकते हो? बता, सिर्फ फोड़ रहा है, लाठी मैं बता सकता हूँ, मेरी बात सुनो, छोड़ो मेरी बात सुनो, आप कोई नहीं, श्रीमान जी एट्रोसिटी का मामला है, बात है ऐसे श्रीमान ठीक है, आप लोगों ने पर्चा सिर्फ एक के खिलाफ किया है, जो तीन मुलाजिम है उनका नाम इसमें क्यों नहीं है? नाम है जो आप नहीं है सर, उनका नाम नहीं है FIR में, नहीं है बाई नेम, नहीं है श्रीमान, बाई नेम नहीं है ना, तो बाई नेम लाओ जी, आ जाएगा बाई नेम, आ जाएगा सर, मैं एक बात कहना चाहता हूं, कोई वो नहीं है, जब बाई नेम आ जाएगा सर हम रिपोर्ट रिसीव कर लेंगे, आपत्ति है नहीं, सुन रही है, हमें कोई आपत्ति है नहीं, बताए FIR नंबर क्या? हम यही शो कर देते हैं फिर, आपने देख रखी है, देख रखी है, तो उसमें जो आपने दरख्वास्त दे रखी तो वही तो मुकदमा दर्ज हो रहा है श्रीमान, उनके नाम है क्या? जिम्मेवार अधिकारी, आप ये बता दीजिए बस, पुलिस भाई आप इतना बता दीजिए उनके नाम है क्या? किनके?
जो मुलाजिम है जो आपने लिख रखा है ना वही है उसमें सर नहीं है मुलाजिम के नाम नहीं है जी मुलाजिम के नाम आ जाएंगे ना हम हमारी बॉडी रिसीव कर लेंगे जाके उससे पहले हमने कुछ नहीं करना ठीक है जी और उनके नाम तो लाने ही लाने पड़ेंगे श्रीमान ठीक है जी क्योंकि जो आरोपी है ना ये नहीं है कि वो पुलिस डिपार्टमेंट से इसका मतलब बच जाएंगे पुलिस डिपार्टमेंट को ये अधिकार है क्या कि लोगों का बंदा उठा के मार दे उसको सही बात है मतलब दलित समुदाय क्या मतलब कुत्ते बिल्ली आ गया उनको उठा लिया घर से और मार दिया ऐसा ही है जी और क्या हो रहा है बता रहे हो जरा क्या हो रहा है जरा ये बताइए क्या हो रहा है मीडिया के माध्यम से भाई सही सारे मीडिया मीडिया के माध्यम से हम कहना चाहते हैं आसी पुलिस अनरिस्पॉन्सिबल हो चुकी है ठीक है वो एक आदमी मर जाता है उसको कोई सीरियस नहीं लिया जा रहा है दूसरी बात हम ये बता रहे हैं कि श्रीमान आसी पुलिस के एक ओनर ऑफिसर है और एक उच्च अधिकारी हम उच्च अधिकारी से एक दरख्वास्त करते हैं कि मीडिया के माध्यम से आप मीडिया के अंदर FIR नंबर बताए ताकि हमारे लोग उस FIR नंबर को चेक करें हमें पता चले हम अपने लोगों को संतुष्ट कर सके कि FIR के अंदर बाई नेम है या नहीं वो आपको FIR ही दे देंगे जो FIR है वही दे देंगे नंबर का क्या करोगे आप कोई बात नहीं है FIR दे दूं भाई ठीक है अगर हमें संतुष्टि होगी तो हमें कोई दिक्कत नहीं है जी वो कहीं से होती हो सही है संतुष्टि एक तन्ना मार दे परिवार मर चुका भाई साहब परिवार में कमाने वाला वो आदमी था परिवार का गुजर बुसर उससे हो रहा था सर ये एक ब्रूटल मर्डर है ये एक ब्रूटल मर्डर है ये इंसानियत की हदों को पार करके एक इंसान को इंसान ने मारा है ठीक है जी इंसानियत की हदें पार कर रोड से 5 किलोमीटर आप एक बात बताओ एक व्यक्ति उसको मार सकता है इतनी बुरी तरह से नहीं मार सकता नहीं मार सकता जी कभी नहीं मार सकता नहीं मार सकता ये तो आप भी जानते हो तफ्तीश चल रही है DSP साहब तफ्तीश कर रहे हैं उच्च अधिकारी सर हमें उच्च अधिकारियों को भी जानते हैं और दलितों के साथ आज तक जो होता रहा वो हमें पता है सीधी बात है सीधी साफ सपट बात है नंबर पे एक मिनट सुन ले भाई 112 नंबर पे उस दिन कौन तैनात था वो आपके पास ऑन रिकॉर्ड है सारा का सारा आपके तो फिर आप डील किस बात की बढ़ रहे हो उस पुलिस अधिकारी को शामिल तफ्तीश करके उसको सस्पेंड करो अरेस्ट करो 112 ने तो छोड़ दिया उसको थाने में उसके ऊपर आईओ कौन लगा है और फिर उस आईओ ने बुलाया भी तो होगा जिसने कंप्लेन करी है सुनो मिनट भाई साहब कंप्लेन करी है 112 ले गई उठा के 112 ने थाने में छोड़ दिया जो कंप्लेन करी है पुलिस वाले ने उस कंप्लेनर को भी बुलाया होगा और कंप्लेनर को बुला के समझौता लिखवाया होगा लिखित में जब भी तो छोड़ा होगा ऐसे थोड़ी छोड़ देगी इसका मतलब अनरिस्पॉन्सिबल हो रही है पुलिस बिल्कुल हो रही है इसमें कोई शक नहीं है देखो मैं बताता हूँ आपको 112 नंबर वाले हमने कई बार हमारे अड़ोस पड़ोस में आपस में हमारे झगड़े हो जाते हैं हम 112 वाले के पास कॉल करते हैं 112 वाले आते हैं हमारे पास आते पता क्या कहते हो कि ये हमारा मैटर नहीं है ये हमारा मामला नहीं है ये पुलिस का आपने हमारे पास फोन किया हम आ गए चंडीगढ़ हमने ये ओट बड़ा खोसड़ा लेके डा दे हमारा हमारी वीडियो ले ले आगे पूछा दे है और ये कह के चले जाते हैं कि हम 112 वाले हम आगे आपके जरिए में लेकिन हम ये काम नहीं कर सकते आपने पकड़वाना बंदे को उठवाना नहीं सदर थाना में जाओ आपका सदर थाना लगे वहां दरखास्त दो जब ये बंदा उठेगा इतना उठा नहीं का तो ये हमारा गरीब व्यक्ति कैसे उठ गया 112 वाले पे इसको कैसे उठाया 112 वाले ने जब और किसी ने नहीं उठाते 112 वाले ये हमारा भाई मजदूर भाई कैसे उठाया 112 वाले ने और कैसे इसका कत्ल कर दिया लेते कुछ नहीं करते जब 112 वाले कहां गए थे कुछ भी नहीं करते पुलिस